आगामी 3 नवंबर को होने वाले सांवेर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भाजपा एवं कांग्रेस दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है और दोनों ही पार्टी के नेता जनसंपर्क के साथ ही कार्यकर्ताओं से वृहद बैठक भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू, पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिव सदाशिव यादव ने कैलोद हाला के मंगलम गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उपचुनाव को लेकर चर्चा की। हालांकि इस दौरान ये बात भी स्पष्ट हुई कि कैलोद हाला क्षेत्र के बूथों से हमेशा कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है, किंतु इस उपचुनाव में सभी मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को विजयी बनाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़े हुए कार्यकर्ता व समर्थक कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने सज्जन सिंह वर्मा के बयान को लेकर कहा कि वह क्रिया की प्रतिक्रिया थी, हालांकि वे राजनीति में ओछे शब्दों के प्रयोग को गलत मानते हैं। वहीं मीडिया द्वारा प्रेमचंद गुड्डू से जब पूछा गया कि हर समय आपके बारे में बात सामने आ रही है कि आपकी चक्की ज्यादा बारीक पिसती है, क्या इससे आपकी नकारात्मक छवि नहीं बन रही है, तो गुड्डू ने कहा कि मैं जनता के काम करवाने में विश्वास रखता हूं और इसके लिए मुझे कई बार कठोरता से पेश आना पड़ता है। चुनाव जीतने के बाद मेरा ऐसा काम नहीं है कि साला मैं तो साहब बन गया और साहब बनकर कैसा तन गया। मैं गंभीरता से जनता के लिए काम करवाने में विश्वास रखता हूं। इस अवसर पर कांग्रेस के कैलोद हाला के मंडलम अध्यक्ष मेहरबान सिंह डोडिया, मुकेश ठाकुर, विजय सिंह दरबार, दीपक मारू, जितेंद्र परमार, नम्रता कौशिक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बताएं, ये जो आज कैलोद में प्रेमचंद गुड्डू जी आए, यहाँ से हमेशा कांग्रेस चुनाव हारती है, इस बार आप लोगों ने बोला कि हम चुनाव जीता के बनाएंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह चुनाव जिताया जाएगा? इन गद्दारों की सब लोगों ने जाते की सवाल इनके आंदोलन क्षमता जान ली है कि ये लोग बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। और यहाँ की जनता इसी त्राहि त्राहि कर रही है कि यहाँ के रोड देखो आप, यहाँ की ड्रेनेज देख लो, यहाँ की कानूनी की। और तुलसी भैया जब भी आते थे तो हमारे रोड का अभी 2 बार तो नरियल फोड़ दिया, और अभी एक बार फिर आए थे, फिर नरियल फोड़ गए, आज तक 1 रुपये का भी काम नहीं कराया उन लोगों ने। क्या नाराजगी आप लोगों के मन में? बराबर नाराजगी तो रहेगी सही उन लोगों के। आज हम लोगों की इतनी मेहनत से जो हम लोगों ने पार्टी से इनको विधायक बना के करा था, उन लोगों ने अपना बिकाऊ वोट कर दिया है, तो हम लोगों का आज कितना दिल दुखाया उन लोगों ने। क्या नाराजगी आपकी? नाराजगी यही है कि हमको आज इतनी मेहनत करी, उनको विधायक बनाया, यहाँ से हमने लोगों को मंत्री बनाया, और वो हम लोगों को आज तक ये भी नहीं बोलने आए कि हम लोगों को क्या है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो तुम लोग, आज हमने उन्हें बनाया है, वो नहीं बन पाते। कार्यकर्ता एक बनाता, हम लोग दिन रात एक मेहनत करी उनसे। गुड्डू भैया से क्या आशा है आप लोगों को? गुड्डू भैया से हम लोगों की यही आशा है, जो बोलते हैं गुड्डू भैया वो करते हैं। आपका नाम और पद? मेरा नाम है मेहरबान सिंह पटेल और यहाँ का मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी का हूँ, केलू धाला से। जनसंपर्क भी हो रहा है और यहाँ पे ये लोग खुद भी बोल रहे हैं कि हर बार यहाँ से भाजपा जीतती है, पर इस बार हम लोग कांग्रेस को चुनाव जिताएंगे, क्या लगता है किस तरह की बात सामने? देखिए, ये दोगला चरित्र सब जनता जानती है, और यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, और आप माहौल भी देख सकते हैं, हमने जो जनसंपर्क किया उसमें क्या बढ़ चढ़ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है, तो ये निश्चित तौर से उनके प्रति आक्रोश है कि जो जनता के साथ विश्वासघात करके करोड़ों रुपए में बिक कर जो गए हैं उनको ये जनता सबक सिखाएगी, ये उसका परिचायक। मतलब आपके क्षेत्र में आज सिंधिया जी की सभा है, कुछ कहना चाहेंगे आपकी? सिंधिया जी कितनी भी सभा कर ले, कुछ भी कर ले, धन बल का प्रयोग कर ले, लेकिन जनता ईमानदार है, उनके जैसी जनता सांवेर की जनता गद्दार नहीं है और बेईमान नहीं है, इसलिए ये कितनी भी सभा कर ले और कुछ भी कर ले, पर जनता जीतेगी और गद्दार हारेगी। आपका नाम है? मैं इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव। आज केलो ढाला में यहाँ पर आपका जनसंपर्क भी है और एक बहुत बढ़िया मीटिंग भी यहाँ पर हो रही है। केलो ढाला हर बार यहाँ से ये लोग खुद भी कह रहे हैं कि चुनाव हारती है कांग्रेस, और इस बार इन लोगों ने संकल्प लिया है कि हम कांग्रेस को यहाँ से जिताएंगे, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? निश्चित तौर से केलो ढाला और इंडेक्स ग्रीन और भी यहाँ कॉलोनी, इतनी बढ़िया कॉलोनी है, इन कॉलोनियों की दुर्दशा मुझे बताया गया है कि माननीय मंत्री जी तुलसी सिलावट जी ने काफ़ी घोषणाएं यहाँ की थी, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए चाहे रोड हो, चाहे ड्रेनेज हो या पानी की, इस क्षेत्र में वापस पलट के ही वो नहीं आए, तो काफ़ी समस्याओं से
लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, और जो मंत्री जी ने जो चीज़ों का स्वस्थ किया था उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि भले भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीती, अब वापस वो यहाँ पे नहीं जीत पाएंगे। लोग मुझे जिस तरीके से अस्वस्थ करा रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, उनने उनका विधायकी काल भी देख लिया है और मंत्री काल भी देख लिया है। एक बात और उभर के सामने आ रही है, एक गुड्डू भैया आपकी छवि को लेकर एक बात आ रही है बार बार कि गुड्डू भैया की छक्की जो है बहुत बारीक पिसती है, और इससे आपकी छवि भी थोड़ी सी एक दबंग छवि बताई जा रही है, उसको लेकर क्या किस तरह से निराकरण? नहीं, दबंग छवि से काम होना चाहिए। मेरे को लोगों के काम करवाने पर विश्वास है, मेरे को टालने की आदत नहीं है। वे अनावश्यक पैर पड़कर काम के टाइम पे विनम बनूँ और उसके बाद वो स्थिति हो जाए कि साला में तो साफ बन गया और साफ बन के कैसा बन गया, वो गाना याद आता है। तो इस तरीके की छवि की जरूरत नहीं है, और इस छवि से काम नहीं होता। काम अफसरों से, नौकरशाही से किस तरीके से करवाया जाता है मुझे आता है। तो अफसरों से काम कराने के लिए हमको अपनी छवि को जरा साफ सुथरी और काम करने की क्षमता वाली बनाना चाहिए। उसको दमंग बोलेंगे या विनम बोलेंगे मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन जैसे भी हो काम होना चाहिए, लोगों के बीच में काम, उनकी समस्या हल होना चाहिए। साहब आज जो शिवसेना में गए थे वर्मा जी, आज फिर बीजेपी में आ गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे क्या कहना, इन लोग आते जाते रहते हैं, इनके मामले में मुझे कुछ नहीं। साहब चंद दिन बचे हैं आप चुनाव के, अब रणनीति में कुछ बदलाव या क्या रणनीति रहेगी? नहीं, हमारी वही माइक्रो लेवल पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की इंडेक्स की भी समस्या है, हम लोग खूब अच्छी तरीके से समझाए, और इन समस्याओं को समझ के हम उन लोगों को जो परेशानी है वो दूर करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और हम आश्वस्त करते हैं कि हमने जो रणनीति बनाई है, क्षेत्र के विकास की रणनीति बनाई है, झूठ और फरेब की रणनीति नहीं बनाएंगे, हम इस क्षेत्र का विकास कराएंगे। क्या भाजपा द्वारा धनबल का उपयोग किया जा रहा है चुनाव में? अभी बीच में आपने कुछ आरोप भी लगाया, धनबल धनबल शराब प्रशासन जो जो दुरुपयोग कर सकता है भारतीय जनता पार्टी, वो सब वो दुरुपयोग कर रहे हैं और पूरी तरीके से। लेकिन जनता शराब और पैसे या अन्य कोई प्रभाव में आने वाली नहीं है, ना कोई दबाव में आने वाली है। इनको सबक सिखाने का मन है, सबक सिखाएंगे। कहाँ पर रहते हैं और कौन सी पार्टी? मैं इंडस सैटेलाइट ग्रीन में रहती हूँ, अमृता कौशिक नाम है मेरा। मैंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया है, क्योंकि सोनकर जी के साथ हम लोग बहुत काम किए हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया है और कोई वादा पूरा नहीं किया है। यहाँ तक कि वो शायद नाम से भी हमको बहुत कम जानते हो, क्योंकि उनको अपना उल्लू सीधा करना था। कि आप बता रहे हैं सोनकर जी के साथ काम किया, वर्तमान में सिलावट जी आ गए हैं, तो उनसे क्या अनुभव है आपका? सिलावट जी से ना मुझे पहले पसंद थे, ना वो अभी पसंद है, और उन्होंने भी वादे किए थे कि 30 दिन में हम रोड बनवा देंगे। हमारा इंडस का रोड बहुत ख़राब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ वादे करते हैं वो, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। प्रेमचंद गुड्डू से क्या आशा आपको? प्रेमचंद गुड्डू जी से आशा है हमें कि वो हमारी सुनेंगे और सारे हमारे काम करेंगे, वो आप जनता के सुनेंगे। आप कितने लोगों के साथ आज भाजपा से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? कुछ लोग हैं हमारे, अभी मैं बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन है। फिलहाल मैं सामने आई हूँ, खुलकर आई हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आई हूँ और गुड्डू भैया के साथ आई हूँ। नाम बताइए। नम्रता कौशिक मेरा नाम है। गहलोत जो यहाँ से हमेशा कांग्रेस हारती है, और आज यहाँ पे ऐसा है, हर जगह कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी के और आम जन आ रहे हैं। जहाँ तक केलोधाला का प्रश्न है, यहाँ पर लगभग अब इस बार 10,000 वोट हैं, पिछली बार 7,000 वोट। मैं मानता हूँ कि एक वेव जो हमारा इंटरनल पेज प्रभारियों की मीटिंग होती है तो समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कृत्य किया उससे आम जन परेशान है, दुखी है, पीड़ित है। और ख़ासकर तुलसीराम सिलावट से पूछ रहे हैं मेरा वोट क्यों बेचा आपने, सवाल पूछ रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। कहीं ये रोड जो केलोधाला का था, पिछले 10 साल से दोनों विधायक गोली दे रहे थे, भूमि पूजन 4-4 बार कर दिया, आज तक उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं। मैं मानता हूँ केलोधाला समस्या के नाम पर यहाँ के लोग दुखी हैं, साथ ही साथ जो कृत्य किया, जो अपराध किया, उसके लिए इनको माफ़ नहीं किया जा सकता। आम जनता की आवाज़ ये देखो, ऐसा है राजनीति में हम सबको एक साथ ये भाव
बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। मैं हमेशा परोकारी रहा इस बात का कि छोटे शब्द, छोटी भाषा, नफरत, घृणा ये पॉलिटिक्स में नहीं हो सकते। हम एक दूसरे के प्रतियोगी हो सकते हैं, दुश्मन नहीं है। तो मैं मानता हूँ इस तरह के सज्जन वर्मा जी ने जो कहा वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या नहीं कहा, कब नहीं कहा, कैसे नहीं कहा, 50 बयान हैं उनके ऊपर से नीचे तक समय समय के। वो देश के नेता बने इंदौर जनता से, पर जिस तरह की भाषा बोलते हैं उससे अपमान होता है इंदौर का। तो मैं मानता हूँ कि सबको मर्यादा का पाठ रखना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान क्या बोलते हैं, उनके बीजेपी के अध्यक्ष क्या बोलते हैं, पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष क्या बोलते हैं, पब्लिक डोमेन में। मैं मानता हूँ कि हमें भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। भाई साहब आज कंपेल आ रहे हैं सिंधिया जी, एक समाज विशेष कोई समाज कोई बात नहीं। कंपेल का रिजल्ट स्पष्ट है, प्रेमचंद गुड्डू ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे।